क्वेश्चन नंबर 74 51 पे जी जी मैडम प्लीज क्वेश्चन नंबर प्लीज स्पीकर साहब क्वेश्चन नंबर 74 आंसर बी टेकन इन सप्लीमेंट्री प्लीज सर मेरा सप्लीमेंट्री है पार्लियामानी सेक्रेटरी साहिबा से ये इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी मेहनत और वो जो पढ़कर आती हैं वो काबिले तारीफ है लेकिन इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं मैंने गाड़ियों का पूछा था कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में जो उनका जवाब आया है वो सिर्फ मोटरसाइकिल के लिए सोच रहे हैं कि वो हम इलेक्ट्रिक पे चलाएंगे मुल्क में बिजली नहीं है इलेक्ट्रिक पे मोटरसाइकिलें कहां से चलेंगी लेकिन इस वक्त आपकी तवज्जो इस वक्त जो गाड़ियां इंपोर्ट हो रही थी वो बंद है हमने लोकल मैन्युफैक्चर पे ध्यान दिया लेकिन हालात ये हैं सर ये मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें गाड़ियों की कीमतें बुकिंग बंद है बुकिंग नहीं हो रही है इस वक्त पाकिस्तान में किसी भी नई गाड़ी की लेकिन कीमतें जो हैं वो एक एक गाड़ी पे 2-2 लाख रुपए बढ़ा दी गई हैं जो शायद सुनने में ये आ रहा है कि 2022 में जो है वो गाड़ियों की बुकिंग शुरू होगी तो ये जो सिस्टम हो रहा है इसकी क्या वजह है आलिया हमजा मलिक प्लीज थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर साहब एंड थैंक यू ऑनरेबल मेंबर्स सर बड़ी मेहनत करती हैं ऑनरेबल मेंबर्स साहब और बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चन उठाती हैं ये सर इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है और सर मैं इसमें यही बताना चाहती हूँ कि ऑटो सेक्टर हमारा इतना जबरदस्त परफॉर्म करे कि हमारी गाड़ियों की बुकिंग्स जो है वो इतनी ज्यादा हो गई है कि प्रोडक्शन कम पड़ गई है इसका रीजन ये है कि हमें बुकिंग्स बंद करनी पड़ गई हैं बेशक गाड़ियां महंगी से महंगी होती जा रही हैं लेकिन अवाम इतना ऑटो सेक्टर आपका परफॉर्म करे उसकी ग्रोथ इतनी जबरदस्त है और सबसे उसमें इश्यू ये है कि पहले सिर्फ 3 गाड़ियों की मोनोपोली थी यहां पर इस वक्त आपके पास 21 नए एंट्रेंट्स आ गए लोगों के पास वैरायटी बहुत ज्यादा है और लोगों को प्राइस डिफरेंस बहुत ज्यादा मिल रहा है क्वालिटी के साथ इसलिए गाड़ियां जो है ओवर बुक्ड हो रही है लेकिन हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि हमने ऑनलाइन बुकिंग्स पर चले गए हमने काइबोर अप्लाई कर दिए हम ऑन मनी के ऊपर अगर टाइम पे लोगों को गाड़ियां नहीं देंगे जिस पे उन्होंने कमिट किया है तो हमने उनको जुर्माने भी दिए हैं और इसमें 3 मेजर प्लेयर्स को भी जुर्माने किए गए हैं तो हुकूमत की जो ये पॉलिसी थी ऑटोमोबाइल की उसके ये सक्सेसफुल रिजल्ट्स हैं कि गाड़ियां ओवर बुक्ड हो रही हैं थैंक यू सर जोहरा वदूद मैडम बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब स्पीकर साहब मुझे मैडम से पूछना था कि पाकिस्तान में पॉवर्टी बढ़ गई है गुर्बत इतनी ज्यादा है कि लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है लोगों के पास दवाएं खरीदने को पैसे नहीं है तो उनके पास गाड़ी खरीदने के लिए कहाँ से पैसे आ गए जरा मुझे ये तो बता दें कि अमीरों के लिए आप सारा काम कर रहे हैं उनसे आप पैसे ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं लेकिन गरीबों के लिए क्या कर रहे हैं दाल पानी खाना रोटी चावल इनका क्या बनेगा आप बजाय मोटर को बढ़ाने के लिए आप इन चीजों को बढ़ाएं ताकि गरीबों के पेट में थैंक यू आलिया हमजा मलिक प्लीज थैंक यू स्पीकर साहब और ऑनरेबल मेंबर साहिबा बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन उठाया और अच्छे मुझे मौका मिल गए सर क्या करें दुनिया के अंदर हंगर इंडेक्स आते हैं तो पाकिस्तान जो है वो 92 पर आ जाते हैं जो कभी इनके दौर में 116 नंबर पे था और इंडिया जो है वो हमसे बहुत पीछे चला जाता है गुर्बत में अब हम क्या करें कि कॉस्ट ऑफ लिविंग की जब बात आती है और बाइंग पावर की जब बात आती है तो पाकिस्तान में रीजन में सबसे अच्छी बाइंग पावर और कॉस्ट ऑफ लिविंग 2% इंप्रूव होती है और इंडिया के अंदर -16% होती है इंटरेस्टिंग बात सर मैं आपको बता दूं पाकिस्तान की 60% आबादी किसान है किसानों को फसल की कीमत पूरी मिल रही है ट्रैक्टर्स की सेल्स बढ़ रही हैं मोटरसाइकिल्स की सेल्स बढ़ रही हैं तो जाहिर है ऑटो सेक्टर परफॉर्म करे ऑटो सेक्टर सिर्फ गाड़ियों का नाम नहीं है मोटरसाइकिल एक मिडिल क्लास तबका एक किसान
सकता है, ट्रैक्टर्स की सेल बढ़ती है तो ये शो करिए कि ज़राअत में जो ग्रोथ हो रही है वो रिफ्लेक्ट कर रही है। अगर हम गन्ने के पैसे पूरे देंगे, गंदुम की फसल के पैसे पूरे देंगे, टाइम से देंगे तो किसान ग्रो कर रहा है, और ये ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। मैं जो बताना चाहती हूँ, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कि QIM का जब डेटा आया तो जब इन लोगों की पीपल्स पार्टी की हकूमत थी तो वो 4.3% से 2 पर चला गया, और आज हमारी हकूमत ने 14% जून का साल एंड किया, 14% की हमने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ दिखाई है। सर फैक्टर ये नहीं है, महंगाई इंटरनेशनल है, लेकिन हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंप्रूव कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंप्रूव इन चीजों से रिफ्लेक्ट करती है कि लोगों की बाइंग पावर इंक्रीज हो रही है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर सुल्तान साहब, अभी आप तैयार हैं जी? एक मिनट मैडम, आप फिर से नसीबा चन्ना, मैडम नसीबा चन्ना, आप हौसला रखे, आपका नंबर आ रहा है, वो आप थोड़ा हौसला रखे, आपका नंबर आ रहा है। नसीबा चन्ना का हो जाए, इसके बाद होगा आपका जी। दोबारा मैं सवाल कर लूं? आप अपना क्वेश्चन फिर से कर ले जी। मिनिस्टर साहब को कहें कि जरा गौर से देख ले कि नंबर भी, क्वेश्चन भी, जवाब तो इतना बड़ा आया था मगर पता नहीं उनके नजर में क्यों नहीं आया। मेरा क्वेश्चन नंबर ये, क्वेश्चन नंबर 37 जी, आंसर भी टेक कर सप्लीमेंट्री प्लीज जी। यहाँ पर जो हमारे यहाँ लिखा हुआ है कि दालें मसाला जात पाकिस्तान के अंदर खुद कफील नहीं है, अगर खुद कफील नहीं है तो क्यों नहीं है? इधर जो सारे उन्होंने लिखा है मस्तो इनकल्ला सैफुल्ला, ये बीज यहाँ हुकूमत के तरफ से भेजा गया है मगर पैदावार नहीं हो रही है, अगर पैदावार नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है? और यहाँ तक कुंडरी में, हम पाकिस्तान में बड़ी मार्केट है लाल मिर्चों की, जब यहाँ पर पैदा होते हैं तो बाहर से क्यों इंपोर्ट करते हैं बजाय एक्सपोर्ट करने के लिए? जी अमीर सुल्तान साहब जी, जनाब स्पीकर, इसमें प्राइम मिनिस्टर इमरजेंसी प्रोग्राम जो है उसमें हमने इसमें तकरीबन 2 अरब के करीब फंड रखा है लेंटल्स की प्रमोशन के लिए, और डिफरेंट किस्म के हम सेमिनार्स भी इस पर करवा रहे हैं। जो इसकी प्रोडक्शन है जी वो यहाँ इसलिए ज़्यादा नहीं होती क्योंकि हमारा जो मौसम है वो अलाउ नहीं करता, और हर चीज़ जो किसान लगाता है वो ऑब्वियसली बात है अपने प्रॉफिट के लिए लगाता है जी, और क्योंकि उसकी प्रोडक्शन, उस पर खर्चा ज़्यादा है, उसकी कीमत इतनी ज़्यादा नहीं उनको मिलती, इसलिए किसान खुद से बहुत उसको कम करता जा रहा है। हमारी पूरी कोशिश है कि अब PRC ने 3 से 5 किस्म के नए लेंटल्स के सीड निकाले हैं, वो हम अभी उनको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ट्रायल्स के ऊपर हैं, उम्मीद है अगर वो कामयाब हमारे हो गए तो लोकल प्रोडक्शन उससे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मोहम्मद वुट्टो साहब, शुक्रिया जनाब स्पीकर। मेरा मुतलका पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब से सवाल ये है कि हमारा मुल्क एक ज़रई मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मजमूई तौर पे क्या पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब बताएंगे कि क्या हमारा मुल्क जो है वो खुराक में और ज़रई पैदावार में खुद कफील है या नहीं है? और अगर खुद कफील नहीं है तो ये बड़े अफसोस की बात है, और मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस सिलसिले में हुकूमत ने क्या इकदाम किए हैं, क्या पॉलिसी बनाई? जी जनाब स्पीकर, जैसे कि हर मुल्क में कई चीज़ें होती हैं जिसमें वो खुद कफील होता है, कईयों में नहीं होती। हम काफ़ी हद तक जो हमारी मेन अशिया है उसके अंदर हम अल्हम्दुलिल्लाह खुद कफील हैं। अभी पिछले साल हमें थोड़ी सी वीट इंपोर्ट करनी पड़ी थी, वरना हम पिछले 8-10 साल से वीट में भी खुद कफील थे। हम चावल में भी खुद कफील हैं, हम आलू में भी खुद कफील हैं, हम कॉर्न में, मकई जिसको कहते हैं हम, उसमें भी खुद कफील हैं। तो बहुत सारी अशियाँ हैं जिनके अंदर हम खुद कफील हैं। बाकी हर मुल्क में किसी चीज़ की कमी होती है, हर मुल्क हर चीज़ इस तरह से नहीं कर सकता कि वो उसमें पूरा हो जी। जी राव अजमल साहब,